मेधावी पेपर क्लास 5 पार्ट 2। नेक्स्ट आते हैं हम हिंदी के सेशन पे। यहाँ मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। हंसते दौड़ते उछलते कूदते बच्चों को देखकर समझ में आता है कि खेलों का हमारे जीवन पर क्या महत्व है। हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, तैरना, दौड़ना, वृक्षों पर चढ़ना, छुपन छुपाई, आँख में चौनी आदि अनेक प्रकार के खेल हैं। खेलों के माध्यम से व्यायाम और मनोरंजन दोनों होते हैं, यानी एक पंथ दो काज। खेलने से शरीर में फुर्ती आती है, मन प्रसन्न होता है और मस्तिष्क का भी विकास होता है। जिस बात को हम किताबों में सिर्फ पढ़ते हैं, उस बात को हम खेल खेल में करके भी सीखते हैं। खेल खेलते समय मनुष्य एक बच्चे की भांति संसार के सभी झंझटों से थोड़ी दूर के लिए मुक्त होकर अपने आप को तरोताजा महसूस करता है। इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखता है, जिससे आपसी सौहार्द बढ़ता है। खेल हमें नियमों का पालन करना भी सिखाते हैं, इसलिए विश्व भर के देशों की सरकारें विद्यालय स्तर पर ही विद्यार्थियों को खेलने का परीक्षण देती है। भारत सरकार का खेलो इंडिया कार्यक्रम विद्यार्थियों को अलग अलग खेलों में प्रोत्साहन देता है, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करता है। भारतीय खिलाड़ी जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, एमएस धोनी ने दुनिया भर में भारत का परचम लहराया है। परचम मतलब होता है झंडा, ठीक है, और लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब उस पर बेस हम करते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक भारतीय खिलाड़ी है? और ये भारतीय खिलाड़ी है मैरी कॉम, रोजर फेडरर जो है, स्टीव वॉथ और कुमार संगर। ये जो है ये बाहर के खिलाड़ी है, ये श्रीलंका के हैं, स्टीव वॉथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, रोजर फेडरर ये हैं स्विट्जरलैंड के, ठीक है। अगला है, एक पंथ और दो काज करना, इसका मतलब है एक ही काम से दो उद्देश्य सिद्ध करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला है परचम नहलाना, परचम नहलाना का मतलब होता है कि झंडा लहराना। अगला है, गद्यांश में आए निम्न शब्दों में से क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया होगा इसमें पालन करना, ठीक है। अगला है, गद्यांश में खेलों के बहुत सारे लाभ बताए, निम्न में से कौन सा कथन खेलों के लाभ नहीं बताता? देखो ये उल्टा प्रश्न है, कौन सा नहीं बताता उसको क्लिक करना है। पहला है, खेलने समय नियमों का पालन सीखते हैं, ये तो सही है। खेल से फुर्ती आती है, ये भी सही है। खेल हम मिलकर काम करना सीखते हैं, ये भी सही है। खेल से, खेल करने से हम विदेश में घूम सकते हैं, ये इसका सही उद्देश्य नहीं है। तो इसमें जो सही उद्देश्य नहीं है उस पर टिक करना है। तो हमारा ऑप्शन आ गया 4। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का पैराग्राफ, सेक्शन ई। मोहन वॉज वेरी शाई, एज सून एज द बेल स्कूल बेल रैंग ही कलेक्टेड हिज बुक एंड रश टू हिज होम। अदर स्टूडेंट्स चैटेड एंड प्लेड ऑन द वे, सम स्टॉप टू ईट, बट मोहन ऑलवेज वेंट स्ट्रेट होम। ही वॉज अफ्रेड दैट द बॉयज माइट स्टॉप हिम एंड लाफ एट हिम। वन डे द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मिस्टर जिलिस केम टू द स्कूल। ही गेव मोहन एंड हिज क्लास 5 वर्ड्स टू राइट। मोहन रोट 4 वर्ड्स करेक्टली, बट ही कुड नॉट स्पेल द 5th वन कैटल। हिज टीचर सॉ हिज हेजिटेशन एंड मेक ए साइन बिहाइंड द इंस्पेक्टर बैक दैट ही शुड कॉपी द 5th वर्ड फ्रॉम हिज नेबर स्टेट। बट मोहन बींग ऑनेस्ट मैन, ही जस्ट कुड नॉट चीट, वो चीट नहीं कर सका। नेक्स्ट डे द टीचर स्कोल्डेड हिम एंड सेड, यू आर सच अ फूल, यू कांट इवन चीट। नेक्स्ट डे मोहन स्टूड देयर विद हिज हेड डाउन, बट ही वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट अ गुड एडवाइस टू बी फॉलोड बिकॉज इट मे लीड टू एन डिसऑनेस्टी एंड अ अनट्रूथ। ये जो है वो महात्मा गांधी जी की लाइफ से ये जो है वो गद्यांश लिया गया है। तो चलिए अब इस पर बेस क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वट वुड मोहन डू आफ्टर द स्कूल? मोहन जो था वुड रश स्ट्रेट टू हिज होम। नेक्स्ट, हूज लाइफ इन दिस पैराग्राफ डिपिक्टेड? इट्स डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स नर्वसनेस बिफोर सेइंग एनीथिंग, यानी नर्वसनेस हो जाती है कुछ कहने से पहले, दैट इज हेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वैल्यूज विच मोहन शोड, कौन कौन सी थी? सच्चाई, ट्रूथफुलनेस एंड द ऑनेस्टी, ईमानदारी, नंबर 3, ठीक है। और नंबर 40 पर है, वट वुड बी द अपोजिट ऑफ फूल? फूल का अपोजिट होता है क्लेवर। अब हम आते हैं सेक्शन एफ पर, जीभ के दाएं और बाईं तरफ कौन सा स्वाद होता है? देखो जीभ के आगे तो होता है मीठा और नमकीन, और इस तरफ क्या होता है? इस तरफ होता है खट्टा, तो यानी इसमें आएगा सौर। अब हम आते हैं 42 पे, अचार को शीशियों में भरने से पहले शीशियों को धूप में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि अचार को खराब होने से बचाने के लिए और लंबे समय तक रखने के लिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोनाल्ड रोड्स को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, इनको क्या मिला था? खोज क्या की थी इन्होंने कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों द्वारा फैलता है, और इस खोज के लिए उसको 1902 में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ताकत के साथ विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती है, अब इसमें से कौन सा विटामिन सी का अच्छा सो? देखो सी जो विटामिन सी होता है ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, दूध में नहीं मिलता, सीताफल में कम मात्रा में होता है,
गाजर में विटामिन ए होता है और जितने भी ऑरेंज कलर के और रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं बच्चों और सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए होता है, इसे हम बीटा कैरेटीन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो विटामिन सी है ये खट्टे फलों में, और यहाँ खट्टा फल सिर्फ आंवला दिया हुआ है, तो आंवला जो है वो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य में कच्चे तेल के भंडार हैं और हाल ही में मिले हैं, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और ये कहाँ मिले हैं, कावेरी और गोदावरी, इसके बेसिन में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप में कौन सा कथन सही है, यानी एशिया के बारे में कौन सा सही है, एंडीज पर्वतमाला। देखो एंडीज पर्वतमाला जो है ये हमारी जो है वो साउथ अमेरिका में है और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला है पांडा नाम का जानवर इस महाद्वीप में पाया जाता है, हाँ ये चाइना में पाया जाता है और चाइना जो है वो एशिया में आता है। अगला है ये संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है, देखो बेटा सबसे छोटा महाद्वीप जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है एशिया महाद्वीप में संसार की सबसे लंबी नदी है, ये भी गलत है, सबसे लंबी नदी है नील नदी और वो कहाँ बहती है, वो बहती है अफ्रीका में, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला भारत पहला देश था, ऐसा ऐतिहासिक मिशन कब आया था, यह आया था 2013, ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं पंपास, तो हमारा सही ऑप्शन तो होगा ऑप्शन नंबर थ्री। अफ्रीका में जो घास के मैदान है ये दो हैं, एक सवाना है और एक वेल्स है, सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और वेल्स जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और एशिया के घास के मैदानों को बोलते हैं हम स्टेपीज, तो हमारा सही आंसर होगा नंबर थ्री। नेक्स्ट है, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित किन कथनों में असत्य कथन है, तो सबसे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज करनी है, विश्व भर में महात्मा गांधी के 250 से भी डाक टिकट जारी किए ये सही है, भारत में पहला डाकखाना ईस्ट इंडिया, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में ही हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ खोला था, कलकत्ता में ही खोला था, ठीक है। भारत में ऊँटों कबूतरों और कुत्तों द्वारा डाक सेवा दी, ऊँटों द्वारा कहाँ जाती है राजस्थान में, कबूतरों द्वारा उड़ीसा में हुमर कबूतर के द्वारा, और कुत्तों द्वारा सियाचिन के ग्लेशियर में, ये तीनों तो सही है। तो भारत में डाक सेवा सबसे पहले भारत में शुरू हुई ये गलत है, क्योंकि भारत में डाक सेवा नहीं शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी इंग्लैंड में, तो हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आएगा, ये हमारा सही आंसर होगा 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किस सभ्यता में प्रयुक्त लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, और ये सिर्फ लिपि है हड़प्पा, हड़प्पा लिपि को अभी भी वैज्ञानिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट वो पढ़ी नहीं जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 51, गफलत का अर्थ क्या होता है, गफलत का अर्थ होता है भूल। क्वेश्चन नंबर 52, गुरु चेला के कवि कौन है, ये है सोहनलाल द्विवेदी जी। 53 है हमारा ऑप्शन जंजीर, भरवा और खुला हुआ जंजीर, ये सब किसके प्रकार है, ये प्रकार है कशीदाकारी के। क्वेश्चन नंबर 54 है, सरहुल के त्यौहार के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वो बताना है। देखो संथाल और औरव जाति मनाते हैं ये सही है, इसमें साल के पेड़ की पूजा की जाती है ये भी सही है, और इसमें कानों में सरई के फूल पहनते हैं ये भी सही है। हाँ, आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान, ये कौन सा त्यौहार होता है, ये होता है कुमाऊं में, हिमाचल के कुमाऊं जिले में दुदुतिया इसको कहते हैं, मकर संक्रांति को दुदुतिया के रूप से मनाया जाता है। गुड़ की रोटी बनाकर गले में टांग लेते हैं माला बन के, बच्चों को टांग देते हैं और कौवे को बुलाने को कहते हैं, इसमें ऑप्शन आएगा 4। अगला है, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अकल से काम न करना। 56 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर कॉल, इन्हें हम कहते हैं ट्रूप। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लेंड, लेंड का मतलब होता है उधार करना, देना, तो लेंड का मतलब क्या होता है, लेंड का मतलब होता है देना, तो बोरो होता है लेना, ठीक है। 58 है, इफ अ किंग इज कॉल्ड निकतू इन अ मणिपुरी लैंग्वेज, व्हाट इज क्वीन कॉल्ड, क्वीन को हम क्या कहेंगे, क्वीन को कहेंगे लेमा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ एवियल, एवियल जो होता है बजे कुछ ही कुछ से बनाया जाता है, तो इसमें क्या जो है वो नहीं डाला जाता, वो उसका ऑप्शन बताना, और उसमें देखो कड़ी लीफ डलती है, गार्लिक डलता है, कर्ड तो नेचुरली डलता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है और वो आएगा रोस्टेड पीनट्स। नंबर 60, इसमें है द टीम, द पोयम टीम वर्क हैज़ बीन रिटन बाय, अब टीम वर्क पोयम को किसने लिखा था, इसे लिखा था जैन निग्रो ने। सो विद दैट आपका मेधावी का पेपर, उसकी सॉल्यूशन होते हैं खत्म, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।